अभी जो पानी है मेरे रूम के अंदर आ गया, कहां से आ गया ये मुझे नहीं समझ आ रही कैसे आ गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज अभी अभी बारिश हो चुकी है, तो आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा ये सारा कुछ। तो छत सारी गीली है, पानी से भरी हुई है, ऊपर बादल आए हुए हैं और अभी बारिश हो चुकी है। तो जो मंजर था तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और आप भी आप देखें कि कितनी ज़ैद बारिश हुई है, और साथ यला भरी वो भी साथ हुई है, वो भी आप वो देखिए। तो दोबारा मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइस अभी जो बारिश है बहुत तेज़ हो रही है, और बारिश के साथ साथ जो याला भरी है तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि बर्फ़ के काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे जो है ना गोले वो गिर रहे हैं नीचे, तो वहाँ पे सारे गोले इकट्ठे हो रहे हैं। अभी मैं जाके दिखा नहीं सकता क्योंकि मोटे मोटे गोले भी आ रहे हैं और छोटे छोटे भी आ रहे हैं। जो एक दो यहाँ पर ही पड़े हुए हैं, तो ये अभी गिर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ बारिश हो रही है, और ये बर्फ़ के ओले कह रहे हैं, गोले कह रहे हैं, वो भी पड़ रहे हैं साथ साथ। गए तो अभी देखते देखते ये और तेज़ हो गए, तो अभी बहुत ज़्यादा तादाद में जो है गोले जो ओले हैं वो पड़ रहे हैं। तो आपको बातें भी आ रही होगी, और ये मेरी तरफ भी आई है एक, तो ये भी पड़ा हुआ है एक, तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे जो ओले हैं वो भी पड़ रहे हैं। अभी मेरे कमरे में रूम में आया ये आया, ओहो ये देखिए इस तरह काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं ये आपके सामने ही। तो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ जो ओले हैं, तो गए अभी जो ओले जो गोले हैं तो वो बड़े हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए इस गाय जाते जाते गोलियाँ चल रही हो, ये आपके सामने अभी मैं लाइव नज़र जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ओले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, चेक करें, चेक करें। कैसी कैसी बातें हैं, वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा वहाँ पे बज रहे हैं, वादे आ रहे हैं उसकी वजह से। तो ठक 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 के वादे जो आ रही हैं वो सारी इसकी वजह से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा होने हो गए, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो बादल है मेरे वो भी ना बजे, ऊपर बादल इतने साथ तो कोई नहीं, लेकिन जो ओले हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो है लाइट भी हमारी जो है वो चली गई, तो मैं यहाँ पे बैठा जो ब्लॉग था एक वो एडिट कर रहा था, तो अभी जो डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पे जी ओले पड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। वैसे आजकल जितनी गर्मी थी ना तो बारिश नहीं हो रही थी, अचानक बारिश आ गई हुई है, और कोई भी ऐसी है कि ओले पड़ रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही है, तो ये सूरत हाल है। अभी जो पानी है मेरे रूम के अंदर आ गया, कहाँ से आ गया ये मुझे नहीं समझ आ रही कैसे आ गया। तो यहाँ पे बाहर आ गई है, और यहाँ पे मैं आपको बाहर का मंजर भी दिखाता हूँ। अभी ये थोड़ा सा खोलूँ तो बाहर ऐसे जैसे बर्फ़ पड़ गई है, और यहाँ पे जी पानी जो है सारा खड़ा हो चुका है, और बाहर आप देख सकते हैं वाइट वाइट हर जगह तो बर्फ़ पड़ रही है जैसे। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, और खूबसूरत गाड़ी वो खड़ी है तो उसके लिए डेंजरस है। और यहाँ पर जी पानी पड़ गया मेरे कमरे के बाहर, सारा पानी जो है वो अंदर आ गया। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही, बहुत तेज़ बारिश हो रही, तो बाइट जो बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। अभी पानी जो है वो निकालते हैं अपने कमरे का, तो अभी दोबारा से ये ओले तेज़ हो गए, बहुत तेज़ हो गए हैं। गए थे यहाँ से खड़े होकर वादे सुने तो ऐसे वादे आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है बाहर, और बहुत तेज़ जो है बर्फ़ के ओले पड़ रहे हैं। तो ये देखें जी वाइट वाइट हो गया सारा, और बाहर भी वाइट वाइट हो चुका है। बाहर भी आपको दिखाता हूँ, अभी मुझे वाइपर नहीं मिला तो जिसकी वजह से मैं पानी नहीं निकाल सका था, और बाहर ऐसे हो गया जैसे बर्फ़ पड़ गई हो, काफ़ी काफ़ी जो बर्फ़ है वो पड़ गई। नवी भाई आ गया हो रहा है, बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही है यार, बहुत तेज़। क्या कह रहा है, छाते आगे छाते टेंट पाड़ जानी है, बर्फ़ बहुत तेज़ पै रही है। अल्लाह अकबर, तो ये सारा पानी मेरे कमरे में जा रहा है। अब ये देखें वो सामने बारिश करी है, और वाइट वाइट उनके पास जो बर्फ़ है वो कटी होगी, ये सारी सामने आपको नजर आ रही होगी। तो बाइक का भी बुरा हाल हो गया होगा जो बाहर करिए,
तो वो जी गाड़ी खड़ी है, उसके स्क्रीन वगैरह बज जाए तो बहुत तेज, और जो सारा पानी है मेरे कमरे में इंटर हो चुका है। तो अभी कमरे में एक मरतबा ही वाइपर फेर दूँ, क्योंकि अभी जो पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक पहुँच चुका है पानी। तो अभी पता नहीं क्या मसला बनाया, वो बंद था क्या मसला था कि पानी अचानक ज़्यादा आ गया, ये अभी पता नहीं। तो अभी मैं जापान पे भी नहीं जा सकता क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो वाइपर जो है वो नीचे पड़ा हुआ। तो अच्छी बात है कि ये पौधों को पानी लग गया, तो अभी ये भी बढ़ेंगे फूलेंगे फैलेंगे, और हमें जो है अपनी जो कहते हैं क्या होता है एलोवेरा जेल वो दस्तयाब करेंगे। अभी जो है ओले हैं वो तो रुक गए हैं, बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़, गाड़ी वाला भी अब चला गया क्योंकि ओले जो है वो रुक गए हैं, और अब जो बारिश है वही हो रही है और ठंडी ठंडी जो हवा है वो चल रही है। आज मुझे लग रहा था कि बारिश होगी होगी होगी, तो मैं देख रहा था कि कब होगी, क्योंकि हवा सुबह से ठंडी चली है और बादल भी आ रहे थे। कल रात जो है वो हल्के हल्के कुछ चीटें जो है वो पड़ी थी, तो अभी अचानक ही बारिश शुरू हुई है और साथ ही जला भरी जिसे कहते हैं वो शुरू हो गई है। तो अभी बारिश भी थोड़ी सी थम गई है लेकिन जला भरी तो बिल्कुल बंद हो गई। तो वैसे काफ़ी खूबसूरत जो है मौसम हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा दिनों से, तो अभी जो है मौसम ठीक हो चुका है, तो अल्लाह करे तो मौसम इसी तरह जो है वो ठीक रहे, ठंडा ठंडा रहे, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अभी बारिश भी है ना स्लो हो चुकी है, अभी बारिश भी स्लो हो चुकी है, तो जाके जल्दी से नीचे से ना वाइपर उठा लेते हैं ताकि कमरे से पानी निकाल लें। और ये पड़ी है जी बर्फ, और ये पड़ा है हमारा वाइपर, मैं गिर गया। अभी जाके कमरे से पानी निकाल लेते हैं। अभी जो कमरे का पानी है तो वो मैंने सारा निकाल लिया है, और जो बारिश है वो भी रुक गई है, और बारिश भी सारा तकरीबन बादल वगैरह भी अभी हैं, बारिश रुक गई है, तो पानी जो है वो तकरीबन सारा निकाल दिया गया है यहाँ से। हाँ जी गाइस, अभी ऐसा है कि जो बारिश है वो थम गई है, और जो हवा है वो हल्की हल्की सी चली है, और साथ जो हब्स है तो वो बढ़ गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ना पसीना पसीना सा आ रहा है, लेकिन हवा भी साथ साथ चली है, लेकिन मज़ा आ रहा है। अभी हमारी बिजली गई है, तो अभी मैंने जनरेटर है वो स्टार्ट करना है, इसलिए मैं छत पे आया था, और मैंने कहा साथ अपने चूज़े तो वो भी देख लूँ, माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। हाँ जी ठीक ठाक हैं, तो अपना खेल रहे हैं, तो पानी वगैरह भी इनका चेक कर लेंगे, बाद में चेक कर लूँगा या मैं अभी चेक कर लूँ, तो इनका पानी वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो अभी जो है वो मैं जनरेटर स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि नीचे जो है वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो अभी जनरेटर स्टार्ट करते हैं क्योंकि पंखे के बगैर नहीं बैठा जा रहा। तो वैसे बादल बुलर आए हुए हैं, क्या खूबसूरत मंजर है। चलें गाइस अभी थोड़ी सी कॉफ़ी बना के जो है वो पी लेते हैं, काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं कॉफ़ी पीने लगा, तो इस बर्तन में कॉफ़ी बना लेते हैं, थोड़ा सा साफ भी कर लेते हैं पानी के साथ से। ये तो हो गया साफ, इसे रख देते हैं चूल्हे पे, अभी कॉफ़ी निकाल लेते हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद पीने लगा, है भी है कि नहीं है, थोड़ी सी है आज के लिए चल जाएगा काम, तो ये चलाते हैं। इसमें पानी भी नहीं है, इसमें पानी भी डालते हैं, पानी जो है जग में डालिए, तो अभी थोड़ा सा जो है इसमें कप में डालते हैं, जितनी मैंने कॉफ़ी बनानी है उतनी करके इसमें डाल देते हैं, डाल देते हैं जितनी कॉफ़ी पड़ी है, और अभी अंदर जितनी कॉफ़ी पड़ी है ना वो सारी इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ी सी रह गई वो चमची से साफ करके मैं डाल दूँगा। इतनी ज़्यादा अंदर से जो है कॉफ़ी निकल आई, तो बस इसमें बन जाएगी मेरी कॉफ़ी ब्लैक, बाकी अंदर थोड़ा सा रह गया तो कोई नहीं, खैर है इसका आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा रह गया, आग मैंने तेज़ कर दी ताकि इसे जल्दी जल्दी से उबाल आए और मैं पकाऊँ और पी जाऊँ, तो बाला जो है वो भी आने वाला है थोड़ी देर तक, तो काफ़ी ज़्यादा है। चले जी कॉफ़ी को जो है उबाला आ गया, गिरना जाए नीचे, जैसे मैंने उठा लिया साइड पर रख दिया,
अभी कर देंगे चूल्हा बंद और इसे डालेंगे कप में। तो गाइस आज मेरा जो बाइक निकालने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा था कि आज बाइक निकालूंगा। थोड़े से बादल वगैरह आए थे तो मौसम अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडी चल रही थी तो मैंने कहा आज बाइक निकालेंगे जरा राइड करके आएंगे। तो बारिश हो गई जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, तो इसलिए आज बाइक जो मैं निकालने सका। तो अभी मैं अपना जो ब्लॉग है वो एडिट कर रहा हूँ, तो ये वाला ब्लॉग है जो मैं बना रहा था ये एडिट कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वाला ब्लॉग तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।